हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज हम आपको बताएंगे जो ये रामन फ्लाईओवर है, इसका जो फाइनल जो गर्डर लग रहे हैं वो लग रहे हैं दो लेन पे, क्योंकि ये चार लेन का फ्लाईओवर है। तो दो लेन को इनने बाद में पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन दो लेन का इनका टारगेट है कि उसको पहले कंप्लीट करना है। तो उसके ऊपर जो सारा अटैच हो गया था, सब पे गार्डर वगैरह पड़ गए थे, हालांकि उनके ऊपर बेसमेंट वगैरह भी पड़नी बाकी है, लेकिन जो फाइनल गार्डर इंस्टॉलमेंट है वो अभी हो रही है। तो आपको मैं वीडियो में आगे जाके दिखाऊंगा वो कहाँ पे हो रही है। तो अभी तो हम इसके बिगिनिंग पॉइंट पे जहाँ से फ्लाईओवर शुरू होता है, तो आगे जाके आपको दिखाएंगे जहाँ पे ये वो काम हो रहा है। तो चलते हैं आगे। तो गाइस, जैसे ही आप श्रीनगर वाली साइड से आते हो और आप रामन टाउन में एंटर करोगे, तो कुछ ऐसा व्यू आपको सामने दिखाई देगा। और ऐसे आप इस फ्लाईओवर से राइट में जब टर्न करोगे, इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाओगे, तो उससे पहले आपको कुछ ऐसा यहाँ से व्यू दिखाई देगा। कितना ये सुंदर व्यू लग रहा है, सारे पिलर्स एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लग रहे हैं। वहाँ से फिर उसके बाद तो आगे कर्व ले लेते हैं, लेकिन तब तक एक स्ट्रेट लाइन में लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये व्यू लग रहा है, इसलिए मैं उसे यहाँ शूट कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ कि कैसा व्यू आपको आएगा यहाँ से। तो गाइज, ये रहा वो पॉइंट जहाँ से ये फ्लाईओवर शुरू होगा। ये सामने आप देख रहे हो पेट्रोल पंप, ठीक है। आप अगर श्रीनगर से आ रहे हो तो आपको जब ये पेट्रोल पंप दिखेगा, तो आप उससे थोड़ा पहले ही राइट टर्न ले लोगे। और ये देखिए, यहाँ से ये अटैच होगा। अभी ये वाला पार्ट जो है ये अटैच हुआ नहीं है, क्योंकि ये रोड पीछे फंक्शनल था इसलिए अटैच नहीं किया इन्होंने। लेकिन ये लास्ट जो यहाँ से गार्डर पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल गार्डर वहाँ आगे पड़ रहा है, वो आपको थोड़ी देर में आगे दिखाऊंगा मैं, वहाँ तक हम जाएंगे। लेकिन आप उससे पहले देख लो कि यहाँ से ये अटैच होगा, ठीक है। और जो वो वाला है, वो वाला जो दो लेन है, वो बाद में वो कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से ऐसे होते हुए जाके ये फ्लाईओवर यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से आगे एस शेप में मुड़ता है और फिर आगे जाके कैफेटेरिया मोड़ पे जाके मीट करेगा वो सामने वहाँ पे। वो देखिए वहाँ पे ये मीट करेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो गाइस, ये है वो एरिया जहाँ से ये फ्लाईओवर शुरू होगा आने वाले टाइम में। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ से ये फ्लाईओवर शुरू होगा। यहाँ से यहाँ तक अभी इन्होंने ये गार्डर वगैरह बिछाना है। इसको इन्होंने टच अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि पुराना रोड इस पर लिंक है, इसलिए अभी टच नहीं किया ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो ट्रैफिक को। और नीचे वाला रोड जो है ये भी इससे ही लिंक है, तो वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, इस कारण से इसको अभी अटैच नहीं किया गया। लेकिन जब ये आगे जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा वीडियो में, जो फाइनल गार्डर है उसकी इंस्टॉलमेंट हो रही है एक साइड से मतलब की, तो उसको कंप्लीट होने के बाद ये इसको भी इधर लिंक कर देंगे। और हो सकता है आने वाले 2-3 महीनों में, इनका टारगेट तो अमरनाथ यात्रा ही है, कि उसमें क्या करना है कि जो एक है मतलब कि जो दो लेन है फ्लाईओवर के, उनको तैयार करना है और बाकी दो लेन को वो बाद में तैयार कर लेंगे, ताकि वहाँ से यात्रा वालों को गुजारा जा सके और जो टूरिस्ट वगैरह उनको गुजारा जा सके। फिर आगे ये फ्लाईओवर यहाँ से आगे चला जाता है, आपको देख रहे हो ये दो लेन है। ये जो वो वाला दो लेन है वो बाद में वो पूरा करेंगे, लेकिन जो ये वाला है इसको ये पहले प्रिपेयर करेंगे। और वो सामने देखिए, यहाँ से अभी आज क्लियर व्यू दिख रहा है, तो सामने वो एरिया आपको यहाँ दिख रहा होगा जहाँ पे गाड़ियाँ दिख रही हैं, वहाँ पे ये ख़त्म होगा। वो देखिए गाइस, वो वहाँ जाके फ्लाईओवर, ये सामने वहाँ तक फ्लाईओवर जाएगा। ये मैंने काफ़ी जूम किया हुआ है तो आपको ऐसे पास दिख रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी दूर है। तो ये आप देख सकते हो, ये है फाइनल जो भी गार्डर लग रहा है यहाँ पे इस फ्लाईओवर के ऊपर। ये वाला एक जो सेगमेंट था ये बचा हुआ था, क्योंकि ये मैत्रा रोड के ऊपर आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रैफिक जो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता था, इसलिए ट्रैफिक को यहीं पीछे रोक दिया गया है, ताकि अगर कोई मिस हैपनिंग हो भी जाती है तो कोई उसमें मतलब कि जान या माल का नुकसान ना हो उसके लिए। तो आप देख रहे हो ये क्रेन की वजह से उठाया जा रहा है इसको ऊपर, इस गार्डर को। और इसको ये देखिए आप, आगे सारे के सारे लग चुके हैं, खाली जो एक जो इस साइड वाले हैं ना दो लेन पे, ये नहीं लगे हैं। लेकिन ये क्योंकि इन्होंने टारगेट अभी नहीं किया है इसको, ये बाद में टारगेट करेंगे, बिकॉज दो ही लेन को पहले ये प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये गार्डर उठाया जा रहा है क्रेन की मदद से। और आगे वाली साइड आप देखिए, ये सारा का सारा एक तरह से देखा जाए तो कम्प्लीट ही है, इसके ऊपर बस इसके ऊपर अब कंक्रीट वगैरह बिछना बाकी है, तो बाकी काम हो चुका है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।